हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रथम पारी का एग्जाम खत्म हो चुका है दोस्तों। मैं खुद यहां पर एग्जाम देकर आया हूं और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट अब यहां पर बाहर आ चुके हैं। काफ़ी तादाद में स्टूडेंट एग्जाम देना आया था। आप मान के चलिए कि 60 से 65 अभाव यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम देना है, क्योंकि अभी मौसम भी सही है और सेंटर की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा अच्छी तरह से यहाँ पर की गई है पास के जिलों में। तो इसके चलते हुए भी आज जो स्टूडेंटों की भीड़ थी 60% से ऊपर ही थी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो पेपर का लेवल काफ़ी सिंपल था। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर जो आज का ग्राम विकास अधिकारी का जो प्रथम पारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों रही पेपर लेवल की बात, तो जो करंट अफेयर था दोस्तों काफ़ी सिंपल था। मैंने खुद ने पेपर दिया एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके, बाकी तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। उसके अलावा भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन वाला पार्ट काफ़ी ईजी था। कृषि और आर्थिक विकास में से एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भारत के संविधान से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा इतिहास और संस्कृति में दोस्तों आप बहुत अच्छा, मतलब कट ऑफ को पार करना है तो आपको इस वाले पार्ट को आराम से सोच समझ के आप आराम से शांति से एग्जाम देना। इतिहास और संस्कृति राजस्थान की काफ़ी सिंपल यहाँ पर पूछी गई, देख सकते हैं आप, पेपर भी हमारे पास है। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग का पार्ट तो आप इक्का इतना सिंपल है कि आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही दिमाग लगा करके वैसे ही इसको सोल्व कर सकते हैं। मैथ में एक दो क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बाकी बात की जाए कंप्यूटर का, तो पोर्शन बहुत सिंपल था दोस्तों। कंप्यूटर से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो आपने पढ़ा होगा वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर राज्य जिला, इनके भी काफ़ी एक आध क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट सेकंड पारी में अगर कोई आपसे कहे कि यार पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, तो दोस्तों आप समझ के चलिए उस स्टूडेंट ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी, इसी वजह से उसको पेपर का लेवल यहाँ पर टफ लगा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के जाइए और टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। और जिन स्टूडेंटों का कल एग्जाम है दोस्तों, आराम से निश्चिंत होकर के कॉन्फिडेंस के साथ आपने अभी तक जो पढ़ा है दोस्तों उस पर ही फोकस करें। आज एक बार पेपर को देख लेना, हल्का फुल्का पेपर को देख लेना, थोड़ा बहुत आपको लगे तो वो चीज़ आप पढ़ करके जाना। बाकी तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पेपर काफ़ी, और स्टूडेंट दोस्तों काफ़ी खुश थे। लगभग सभी स्टूडेंटों ने कहा कि यार अच्छा स्कोर हुआ। आप दोस्तों कट ऑफ के बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता दें कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब सेकंड पारी में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सभी दोस्तों को ऑल दी बेस्ट। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात ये रही आज के पेपर में कि पेपर का लेवल काफ़ी सिंपल था। और सबसे सही बात है कि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग तो ही नहीं, आप 100% 100 में से 100 क्वेश्चन करके आइए आप दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।